यहाँ मिलेगा, भिलाई में क्या कोई, छत्तीसगढ़ इंडिया में। अच्छा, आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा। तो ये देखिए हम लोग इसी कोई आइटम है, यही आइटम ये देखिए, इसको साफ़ चला जाएगा। तो ये चला गया अपना टिकिया, ये देखिए अभी इसमें चार पांच गुपचुप डाल दिया गया। अभी इसमें डाला जा रहा है चना, ये देखिए थोड़ा सा अभी दही डाला जा रहा है इसमें, ये आपका सेब डाला गया, इतना बड़ा चाट है इसके ऊपर सेब डाला गया, ऊपर दही डाला गया और अंदर काफ़ी सारा स्टफिंग भर भर के डाला गया इसमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि भिलाई में हम लोग का कोई भी बाहर से गेस्ट वगैरह आता है तो हम लोग खासकर घुमाने के लिए उनको मैत्री बाग लेके जाते हैं और शहीद पार्क लेके जाते हैं या फिर जो नया खुला तगड़ा बांध लेके जाते हैं, बट इनके सब फूड हम लोग क्या करते हैं, भिलाई के जो सिविक सेंटर है, जो मेन सिविक सेंटर है, फूड चौपाटी एरिया, वहाँ पर लेके आते हैं उनको खिलाने के, क्योंकि यहाँ पर सिविक सेंटर भाई काफ़ी मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं खाने के लिए, सभी दुनिया के सभी प्रकार के खाना यहाँ पर मिलता है। तो आज भी हम लोग पहुँच गए भिलाई के सिविक सेंटर एरिया में और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले ये बहुत ही यूनिक फूड जो कि पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलता बस भिलाई के छोड़ के, और ये जो फूड है भिलाई में इसका इसको बनाया गया है और बहुत दिन से चल रहा है और भिलाई के लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको, और इसका नाम है आइटम बम चाट। तो मैं चलिए मैं आपको शॉप में दिखाता हूँ आइटम बम चाट कैसा बनता है, क्या प्राइस रहता है उसका, क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट डाला जाता है, वो इतना यूनिक है कैसे, कब से ये चालू हुआ है। तो ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला था, वीडियो में बने रहिए और वीडियो का एंड तक देखिए। आपको थोड़ा बहुत वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले चलिए चलते हैं पहले शॉप में और शॉप ओनर से बात करके जानेंगे इसके बारे में, इसका मेकिंग देखेंगे, फिर अपन उसको टेस्ट भी देखेंगे। तो थोड़ा सा ना हम लोग इस शॉप का सेटअप देख लेते हैं। तो वैसे जैसे आप आओगे ना एंट्री करोगे इधर से, तो आते यहाँ पे देखिए ऐसे बोथ साइड में चेयर लगाया गया है 6 सीटर का। सामने है शॉप का नाम काशी पाव भाजी एंड फैमिली फास्ट फूड सेंटर, और सब यहीं पे बैठते हैं और फाइनली यहीं पे इनका सब सेटअप रहता है। ये देखिए सामने रखा है, ये है आइटम बम आज इसको हम लोग ट्राई करने वाले हैं, और इस तरह यहाँ पर सेटअप है। तो यहीं पर बन के फिर आपको यहाँ से ऐसे सर्व किया जाता है और काफ़ी डिसेंट जगह है, साफ़ सुथरा जगह है, इल्यूमिनेशन काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है यहाँ पर। चलिए थोड़ा सा भैया से बात करते हैं, भैया आपका नाम नितेश यादव। अच्छा, तो ये शॉप आप चला रहे हैं क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे आपको क्या क्या आइटम मिलता है? पाव भाजी है, चाट है, चाउमीन है, मंचूरियन, पुलाव, आइटम बम। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा सेलिंग क्या क्या चीज़ें होता है? पाव भाजी, आइटम बम। अच्छा अच्छा, आइटम बम का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भाई आप ये, और कहीं बनता है आप कैसे देखे इसको बनाए, यहाँ पे चालू किया बनाना? यहाँ ही बनते हैं। अच्छा, तो आपका खुद का मतलब बनाया हुआ है? हाँ, खुद का बनाया। अच्छा, खुद का ये है ना। तो इसमें क्या क्या है सर, कैसे क्या बनाते हैं सर? आइटम से आपको मैदा और बेसन, ओके, उसी से बनता है, उसको फुलाया जाता है, ओके ओके, और थोड़ा सा भी खराब हुआ हाँ तो पूरा वो ख़त्म हो जाता है, मतलब पूरा पापड़ी बन जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, तो उसके अंदर का स्टफिंग क्या क्या रहता है? तो अंदर का टिकिया आएगा, हाँ, आलू टिकिया, हाँ, गुपचुप 5-6 पीस रहेगा, ओके, दही, हाँ, मीठी चटनी और मिर्ची उर्ची प्याज और चना। अच्छा, छोला जो अपन बनाते हैं वो उसको मिला के बनाया जाता है। तो ये भिलाई में कब से ये बन रहा है आइटम? जमाना हो गया, हमको पिताजी से पहले तब से आइटम बन रहा है और लोग काफ़ी लोग पसंद करते हैं। मतलब 80 आपको यही मिलेगा। अच्छा, और थोड़ा बहुत मिलेगा तो गार्डन में मिलेगा। अच्छा, मैत्री बाग है हाँ, वहाँ मिलेगा, उसके बाद पूरे भिलाई में आपको। अच्छा, यहाँ मिलेगा, भिलाई में क्या कोई, छत्तीसगढ़ इंडिया में। अच्छा, आपको यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो सर आइटम में कितने वैरायटी और कितना प्राइस चालू होता है? 4 प्रकार, 4 के नॉर्मल, समोसा वाला, हाँ, और एक फ्राई करके उसमें बनाएंगे, ओके, और एक पनीर पनीर उन्हें डालते हैं उसको भी फ्राई करके बनाते हैं। तो ये प्राइस कितना रहता है? नॉर्मल 70 रुपया, हाँ, और समोसा वाला 100 रुपया, हाँ, और जो फ्राई करके बनाएंगे, हाँ, वो 110 रुपया, ओके, और पनीर वाला 120 रुपया। तो चलिए अभी हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है आइटम बम। तो ये टिकिया आ गया ना सर, अब ये बटर में डाल के इसको बना रहे हैं, अभी थोड़ा सा सेक दिया जाए, थोड़ा सा नमक डाल दिया जा रहा है, अभी थोड़ा सा मसाला डाला जा रहा है, अभी चाट मसाला डाल दिया गया और ये मिर्ची, और देखिए काफ़ी खतरा स्मेल आ रहा है मसाला के साथ। तो अभी इसको मसाला वगैरह डाल के टिक्किया को जो है थोड़ा कड़क किया जा रहा है, कड़क हो रहा है, और मसाला भी गर्म हो चुका चना वाला, और ये प्लेट रेडी। तो ये देखिए हम लोग का जो आइटम हम इसको क्या बोलते हैं सर? आइटम हम। अच्छा, इसी कोई आइटम है? यही आइटम हम ये, और ये देखिए अभी इसको कर दिया गया, इसके अंदर अभी साफ डाला जाएगा। तो ये चला गया अपना टिक्किया, और इसके अंदर डाला जाएगा अभी कुछ गुपचुप, ये देखिए अभी इसमें चार पांच गुपचुप डाल दिया गया। अभी इसमें डाला जा रहा है चना, ये देखिए काफ़ी बढ़िया से तरीके से पोरिंग किया जा रहा है इसको, और अभी देखिए कि इसमें डाला जा रहा है मीठी चटनी, बाप रे, और थोड़ा बाहर भी डाला गया इसको टेक्सचर लुक के लिए। अब ये देखिए इसमें डाला जा रहा है ये मिर्ची का चटनी है, ये
थोड़ा सा अभी दही डाला जा रहा है इसमें, और इसमें डाला जा रहा है खट्टा पानी। ये देखिए ग्लास में खट्टा मीठा मिला के लिया जाए। ओके ओके, तो फाइनली इसमें नमक डाला गया, ये मसाला है, चाट मसाला डाल दिया गया, और ये मिर्ची डाला गया। अब इसमें प्याज धनिया वगैरह थोड़ा डाला जा रहा है अंदर। अब देखिए काफ़ी बढ़िया स्टफिंग हो गया है। ये आपका सेब डाला गया, और फाइनली आ गया अपना स्पून। और ये देखिए फाइनली अपना तो आइटम हम चाट है बन के तैयार हो चुका है। और ये देखिए नैन्सी हंस रही है, पता नहीं इसको देख के क्या हुआ, इतना बड़ा है ना काफ़ी यूनिक है। और देखिए तो लुक है ना भाई साहब, आइटम हम का काफ़ी ताबड़तोड़ है, देखने में काफ़ी भौकाली लग रहा है ये। और आपने ज़िंदगी में इतना बड़ा नहीं खाया होगा चाट। और ये देखिए फाइनली इसके साथ जो सर्व किया जाता है ना आइटम बम, और ये देखिए आपका खट्टा मीठा का जो पानी है इस पर डाला जाता है। बेसिकली इन दोनों से आपको खाना है, ठीक है। तो स्टफिंग देख लेते, देखिए इतना बड़ा चाट है, इसके ऊपर सेब डाला गया, ऊपर दही डाला गया, और अंदर काफ़ी सारा स्टफिंग भर भर के डाला गया इसमें, जो कि हम लोग अभी इसको टेस्ट करके बताएंगे आपको कैसा लग रहा है ये टेस्ट। ओह चलिए हम लोग थोड़ा सा इस अनोखा खाना को टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या फ्लेवर है इसमें, किस तरह का टेक्सचर है, खाने में कितना फ्रेश है। और दिखने में भाई साहब काफ़ी ख़तरनाक लग रहा है, तो मुझे ना देख देख के इसको पूरा खाने का मन कर रहा है। और ये देखिए ये बार बार हंस रही है, इसको इतना बड़ा आइटम बम देख के नैन्सी पूरा हंसने लगी है। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके अंदर का जो स्टफिंग है ना, ये देखिए गोलगप्पा है, गोलगप्पे के साथ हम लोग बहुत बड़ा चम्मच में भर के ले लिया। इसमें गोलगप्पा है, इसमें चना है, इसमें दही है, इसमें सेब है, एक मिक्स पूरा काफ़ी सारा है। मिक्स है तो इसको मैं एक बार ट्राई करता हूँ। भाई साहब मैं बताऊँ, इतना सारा फ्लेवर एक साथ मुंह में आया कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट एंड में मुझे दही का और जो थोड़ा मीठा पानी का काफ़ी बढ़िया फ्लेवर आया। साथ में इसमें देखिए आपका टिक्की डाला गया है, मसाला स्टफिंग, आलू स्टफिंग है, उसका अलग फ्लेवर आ रहा है। उसमें ऊपर से आपका जो पापड़ी है उसका अलग फ्लेवर आ रहा है। सेब डाला गया इसमें, जो टिक्किया में जो काफ़ी मल्टीपल मसाला डाला गया है उसका बहुत ही कॉम्बाइन अलग से एक यूनिक फ्लेवर आ रहा है, तो खाने में काफ़ी बढ़िया है। ऊपर से प्याज डाला गया तो उसका लास्ट में क्रंचीपन भी आ रहा है, तो भाई बहुत ही डिसेंट क्वालिटी का फूड और यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे भिलाई के अलावा और कहीं नहीं मिलते पूरे इंडिया में, तो आप लोग इसको आगे थोड़ा ट्राई करना चाहिए। और ये हम लोग को पड़ा था कभी 70 रुपीज़ में एक टिक्किया चाट पड़ा था, कभी दो से तीन आदमी आराम से खा सकते हैं। तो फटाफट हम लोग इसको खा लेते हैं फिर अपन बात करते हैं। तो भाई साहब हम लोग खा लिए हैं, और फाइनली मैं अगर अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई साहब 70 रुपये में जितना बड़ा हम लोग को आइटम हम चाट मिला था ना भाई, मैं और नैन्सी दोनों खा नहीं पाए, थक गए। तो ऑलमोस्ट एक अगर आप मंगवाओगे तो दो से तीन आदमी इजीली खा लेगा 70 रुपये में आइटम बम चाट। और इसका सिर्फ चार वेरिएंट है, 70 रुपये से लेकर 110 रुपीज़ तक है इसका वेरिएंट, और लास्ट में आपको पनीर भी मिल जाता है। तो मैं हर स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पे एक बार आके जरूर ट्राई करें, अगर आप चाट वाट खाने के शौकीन हो तो। आपका शॉप का नाम है काशी पाव भाजी एंड फैमिली फास्ट फूड सेंटर, जो कि सिविक सेंटर चौपाटी एरिया में है, और बहुत ही जेन्युइन प्राइस में यहाँ पे खाना मिला आइटम बम चाट। और एमबीएस भी काफ़ी बढ़िया है, साफ़ सुथरा है, लोगों का बिहेवियर भी एकदम ताबड़तोड़ है। और ये सर ये दुकान का टाइमिंग वगैरह कितने बजे रहता है? ये 3 बजे से लेके आए, अभी जैसे टाइमिंग का थोड़ा हुआ है तो 10:30-11 बज जाता है। अच्छा 3 से 11 ना, 3 से 11 और 11 पकड़ लो, डेली खुला रहता है क्या? डेली खुले रहेगा। अच्छा, और एक बार दुकान का नाम बता देंगे क्या? ये काशी पाव भाजी और सिविक सेंटर एरिया, सिविक सेंटर एरिया है। ठीक 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 है भैया, थैंक यू। तो होपिंग आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन मिलते हैं और नए जगह पर नए फूड ब्लॉग के साथ नए लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय बाय।